हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक सी लर्नर क्लासेस। टुडे वी आर स्टडी अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ बच्चों की जो बेसिक क्वेरी थी उनका स्पेशली पर्सनली मैसेज आया हुआ था कि मैम आप मेटल एंड नॉन मेटल पे वीडियो बनाएं। सो आप देखिए कि जो मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं वो किस तरह से आपके होते हैं, पहले हम उनको कैसे पहचानेंगे, अगर कोई मेटल है या नॉन मेटल है तो उसके बारे में हमें कैसे पता चला, तो ये सारी बातें हमें करनी होगी। ठीक बात। चलिए सबसे पहले मैं अगर बताऊं आपको मेटल और नॉन मेटल से परे लेके जाऊं तो टोटल ओवरऑल एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने होंगे, 118 एलिमेंट होते हैं बच्चे। जो ओवरऑल सम है कोई भी जो एलिमेंट है उनका सम क्या है, 118 है। इसमें से अगर आप बात करते हैं सिर्फ मेटल की, ठीक है, अगर आप सिर्फ बात करते हैं मेटल की या आप बात करते हैं नॉन मेटल्स की, इनके अलावा भी एक चीज होती है जिसमें ये मेटल और ये नॉन मेटल्स इन दोनों के करैक्टर जहां पर आ जाएंगे उसे हम बोलते हैं मेटलर्जी, मेटलर्ड सॉरी, इन्हें हम क्या बोलेंगे, मेटलर्ड्स बोलेंगे। ठीक, मेटलर्ड्स क्या होंगे, इनके जो करैक्टर होंगे ये क्या होंगे आपके, बिटवीन दी दी मेटल एंड एंड नॉन मेटल। इतनी बात सभी को क्लियर हुई कि जो मेटल्स और नॉन मेटल के बीच की चीजें होंगी उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलेंगे। फिर देखते हैं जो मेटल्स हैं क्या है, हमारे जो मेटल्स हैं ये क्या होंगे, ये सभी होंगे बच्चे आपके सॉलिड होंगे। ये क्या होंगे आपके, सॉलिड होंगे, यानी और इनका जो सभी आपके सॉलिड हैं बट एक आता है एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या है आपका, लिक्विड होता है। ये क्या होता है, मैं थोड़ा हाईलाइट करके लिख देती हूं, ये होगा आपका लिक्विड। बच्चे आपको ध्यान देना होगा कि जितने भी आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं इनमें हम जब मेटल की बात करते हैं तो सभी मेटल आपके सॉलिड होते हैं, लेकिन जब आप बात करेंगे मरकरी की ये होती है लिक्विड। अब बात आती है मरकरी होती क्या है। मरकरी आप जानते होंगे जो आपका थर्मोमीटर है, ठीक है ना, क्या होता है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर में हम क्या यूज करते हैं, मरकरी को यूज करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात, अगर ये मरकरी गलती से भी हमारी बॉडी में चली गई तो इससे कौन सी डिजीज होती है, एक मीना मार्टर डिजीज होती है, जो किसकी वजह से हो रही है, इस मरकरी की वजह से हो रही है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अगर हम सेकंड बात करते हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टी की, ये क्या होंगे आपके, डक्टाइल होंगे, डक्टाइल होंगे। यानी डक्टाइल का मतलब क्या होगा कि आप इनको क्या कर सकते हैं, कितना भी हिंच सकते हैं। जैसे आप एक चादर के रूप में इसको जैसे पिघलाया आपने तो आप इसमें चोट मारेंगे तो चादर की तरह आपकी फैल सकते हैं। ठीक, जैसे आप लेते हैं कॉपर की बोतल उठा के ले लो, एक प्लास्टिक की बोतल उठा के ले लो, अगर आप कॉपर की बोतल उठाते हैं तो वो क्या हो जाती है, कॉपर आपको पिचक जाएगा, जबकि ग्लास क्या हो जाएगा आपका, टूट जाएगा। सो इसे हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। ये डक्टाइल होंगे, ये मैलेबल्स होंगे, ठीक है। इनका क्या होगा, जो मेल्टिंग प्वाइंट और जो बॉइलिंग प्वाइंट है ये क्या रहता है आपका, फिक्स रहता है। अगर इससे भी परे हम बात करते हैं तो ये क्या होंगे, सोनरस होंगे। सोनरस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी सरफेस में मारी, कोई मेटल के सरफेस में अगर आप मारते हैं तो क्या करेगा, वो आवाज करेगा, ठीक हो गया। तो दैट मीन्स मेटल क्या होंगे आपके, सोनरस होंगे, ठीक है। ये आपके मैलेबल्स होते हैं। मेलिबल्स का मतलब क्या होता है, ये इनको अगर आप मेल्ट करते हैं तो इतना ज्यादा मींस आप एक
ग्राम। जैसे आप 1 ग्राम क्या लेते हैं, गोल्ड लेते हैं बच्चे, अगर 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो इस 1 ग्राम गोल्ड का आप 1 किलोमीटर लंबी क्या बना सकते हैं, एक वायर बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपकी मेटल की रहती है। फिर से अगर हम बात करते हैं मेटल की, कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं आपको, ये आपके क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। ये क्या रहेंगे आपके, कंडक्टर होंगे किसके, हीट एंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे, ये कंडक्टर होंगे। अगर आप इसमें हीट पास करेंगे तो हीट भी पास हो जाएगी। जैसे आप देखते होंगे हमारे घर में जो बर्तन आपके बने होते हैं उसमें क्या होती है, एक हैंडल होती है। हैंडल जो होती है वो क्या होती है आपकी, एक प्लास्टिक की रहेगी, वेकेलाइट्स बेसिकली हम उसमें यूज करते हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। अगर आपने क्या रखी है अपनी जो कुकर है, अगर बिना हैंडल की अगर आपकी हो गई तो हाथ जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं उसके लिए कुछ और चीजें यूज करते हैं। तो दैट मीन्स जो मेटल होते हैं, मेटल क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा रहे हैं। ठीक, तो इतनी प्रॉपर्टी। अब ये कंडक्टर क्यों होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, इसकी जब हम केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी सारी पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी, लेकिन आइडिया के लिए मैं बता दूं इसके पास क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब जो बच्चे फ्री इलेक्ट्रॉन समझते हैं, तो देखिए अगर इसी में भी कोई एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तभी तो ट्रैवल कर पाएगा। जैसे हमारे एक क्लासरूम में हम बैठे हुए हैं, अगर सारी चेयर भरी हुई है तो एक एडिशनल बच्चा आएगा, वो घूम नहीं सकता या फिर कहीं पे बैठ नहीं सकता। अगर हमारे पास एक चेयर एडिशनल है तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जगह को, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और पूरी क्लास में क्या कर सकते हैं, राउंड लगा सकते हैं। तो वही चीज होती है, जो वही इलेक्ट्रॉन का काम भी होता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो पूरे में घूमेगा, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्वियसली वो क्या करेगा, पूरे में पास कर पाएगा। उसके बाद देखिए बात करती हूं नॉन मेटल की, बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, देखिए नॉन मेटल्स बेसिकली आपके क्या होंगे, कुछ तो ये सॉलिड होते हैं, कुछ ये सॉलिड होते हैं, कुछ आपके लिक्विड होते हैं, कुछ आपके गैस होते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा भाई हमने सॉलिड लिक्विड गैस तो बोल दिया लेकिन इसके एग्जांपल नहीं देखे, चलिए उसको भी हम देखते हैं। अगर आप बोलते हैं कि सॉलिड, तो जो कार्बन है, कार्बन है ये आपकी क्या रहती है, सॉलिड होगी। अगर आप बात करते हैं किसकी, ब्रोमीन की, ब्रोमीन जिसे हम लिखते हैं Br, ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है। ठीक है, 35 इसका एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 35। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड लिक्विड इन नेचर। सभी या तो सॉलिड होंगे या तो लिक्विड होंगे, जो एक्सेप्ट है क्या, Br। ब्रोमीन क्या है बच्चे, आपकी लिक्विड है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जितने भी एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं इन सब, ये सभी एग्जाम आने के कगार में होते हैं, तो इन एक्सेप्शनल क्वेश्चन को आपको पहले करना रहेगा, उसके बाद आप चीजें आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक बात होगी। ये क्या होगा आपका, लिक्विड में होगा, और जैसे हमने बोला कि सोनरस है, डक्टाइल है, ये बिल्कुल भी नहीं होंगे, और इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी फिक्स नहीं होता है। जो इनका क्या है, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ये भी क्या ना होगा, आर नॉट फिक्स्ड। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कोई फिक्स नहीं है, इस बात को आपको बड़े ध्यान से समझना रहेगा। अब क्यों नहीं है भाई, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि अलग अलग फेज में जो नॉन मेटल होते हैं वो अलग अलग बिहेव शो करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम, कंडक्टेंस देखते हैं। कंडक्टर हैं ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। जो नॉन मेटल से हैं ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते हैं। जो आपकी आती है एक्सेप्ट क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को दोनों को कंडक्ट करेगा। ये आपका क्या है, ये एलोट्रॉप है। ये क्या है आपका, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन।
ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है, इसका ये जो स्ट्रक्चर देता है, क्या स्ट्रक्चर देता है, ये देता है आपका हेक्सा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो इसको कितने रिक्वायर होते हैं, इसके जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 4 होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट को कंप्लीट एटम बनने के लिए उसके लास्ट पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए, यानी उसको नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन में आना चाहिए, डेफिनेटली बात है। तो देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो कार्बन क्या करेगा, सेल्फ लिंकेज करेगा। जब हम कभी कार्बन वाली चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पर डिटेल में बताऊंगी। तो मेरा जैसे एक कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब देखिए जो ये वाला कार्बन मॉलिक्यूल है, इसके रिक्वायर्ड कितने थी, 4 थी, लेकिन इसने बॉन्डिंग कितने बना दी, 1, 2, 3 बॉन्डिंग बना दी। अगर इस वाले कार्बन की बात करूं, इसने 1, 2, 1 और 2 एक आगे को बनाएगा, क्योंकि ये काफी लंबे स्ट्रक्चर आपके देंगे, तो इसके बगल नियरेस्ट में बना देती हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए इस तरह से बिल्कुल मजेदार स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो देखिए अब हुआ क्या कि जो इसका ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन था, ये मूव कर गया यहां, तो इसका नीचे आगे वाले में कर गया होगा। इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यहां हो गया, इसका आगे हो गया, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन इधर। तो इस तरह से आपके ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये ट्रैवल करेंगे, यानी जो ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या होती है, आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, जिस वजह से जो नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। समझ आ गई बात। और उनके पास किसी के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लीजिए आप। देखिए अगर आप O2 को करते हैं तो इसकी रिक्वायर इलेक्ट्रॉन 2 की होती है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्डिंग कर देता है और कंप्लीट हो जाता है। ये आपके मेटल और नॉन मेटल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी ये थी। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, या ये क्या क्या काम में आता है, या फिर इसकी जो जो प्रॉपर्टीज और बच गई हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।